प्रदेश के मुरादाबाद में थाना गलचही क्षेत्र के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस अड्डे के पीछे बनी वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची ऊंची थी। आग की लपटों के साथ ही काले धुएं के गुबार ने आसमान को काला कर दिया था। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस अड्डे के परिसर के पीछे ही वर्कशॉप बनी हुई है, जहां आज शाम अचानक आग लग गई। वर्कशॉप के जिस हिस्से में आग लगी थी, वहां बस की मरम्मत के बाद निकले कलपुर्जों को रखा जाता है। आग लगने की सूचना मिलने के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची। आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन नहीं लगाया गया है। उसमें अपने जो उपकरण है, आग बुझाने के जो उपकरण है, उसको बना के रखें, क्योंकि अग्निशमन को कोई जब सूचना मिलती है तो हमारे पास में पर्याप्त इतने सीमित संसाधन होते हैं। पानी का साधन नहीं होने पर हमको पानी दूर से लाना होता है। जो गाड़ी पानी भरने जाती है उसमें वक्त लगता है। अभी हमारी जो गाड़ियाँ लाजपत नगर से पानी भर के ला रही हैं, और जब हमारे वाहन चलते हैं किसी अग्नि दुर्घटना पे जाते समय, उनको कृपया रास्ता देना चाहिए। लोगों के मन में भी वो इच्छा नहीं रहती है कि इसको रास्ता दें, उदासीनता बरसते हैं। तो क्या मानते हैं, यहाँ पे जो 200 लीटर के मोबाइल के ड्रम भी हैं, काफ़ी भरे हुए, ऊपर से कचरा है, एक हादसा होने से रह गया, क्या करें? इसलिए मैं ऐसा है ना कि लोग अभी धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। अब जब कभी हादसा होता है तो लोग जागरूक होते हैं, इसके बाद फिर सोचते हैं कि कभी आग तो नहीं लगी है, तो वेट करते रहते हैं कि आग लगे तब कुछ करें। मैडम सवाल पूछिए। सर, आज ये हादसा हुआ है रोडवेज पर, क्या जानकारी मिली आपको? क्या हुआ है यहाँ पे रोडवेज पर? यहाँ पर जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे फिल्टर्स वगैरह होते हैं, उसमें आग लगने की सूचना हमको मिली, तो हमारी फायर सर्विस की गाड़ियाँ तत्काल यहाँ पर रवाना हुई। लगभग 5 गाड़ियाँ हमारा फायर फाइटिंग का काम कर रही हैं। आपको कैसा लगा है, मतलब कहने का किसी ने लगाई है या लगी है, किस चीज़ से लगी है, मतलब कहने का, फिर भी आपको कैसा अंदाज़ा लगता है? अभी तो हम आग बुझाने में जुटे हैं, ये आग बुझने के बाद में ये बताया जाना संभव हो सकेगा। कितनी देर लगभग हो चुकी है आपको? कितना टाइम हो चुका है? लगभग 1.25 घंटे के लगभग हो गया। क्या कारण था? कारण के बारे में मैंने पहले भी स्पष्ट किया आपको कि संभवतः, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि यहाँ कोई वायर था, तो ऐसा लगता है खुले में है, किसी ने शायद संभवतः लापरवाही बस कोई बीड़ी का प्रयोग करते स्मोकिंग करते हुए संभवतः आग लगने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। कितनी गाड़ियाँ? 5 गाड़ियाँ हमारी मौके पर काम कर रही हैं। सर, कोई कैजुअल्टी है? नहीं, कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं है कुछ। ओके, हमारे कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि जो रोडवेज बस स्टैंड है, उसका जो वर्कशॉप है जहां गाड़ियों की मरम्मत होती है, वहां का जो वेस्ट मटेरियल होता है, ऐसे पुराने फिल्टर्स होते हैं, ग्रीस होता है, ऑयल होता है, अन्य जो पार्ट्स होते हैं, उसका जो ढेर है, उसमें आग की सूचना प्राप्त हुई हमको। हमारी गाड़ियाँ तत्काल फायर स्टेशन से रवाना हुई और 4 गाड़ियाँ हमारी यहाँ मौके पर कार्य कर रही हैं, क्योंकि जो ढेर है ये काफ़ी ऊंचा है, लोहे के पार्ट्स हैं इसमें, तो आग नीचे से जो लपटे हैं वो भी मतलब नियंत्रण में है, लेकिन पूर्ण रूप से भी नहीं बुझाया गया है, उसको बुझाया जा रहा है और थोड़ा वक्त लगेगा। और ये कोई ऐसा कोई जनहानि वगैरह कुछ नहीं है, और ये एक खुले मैदान में जो ढेर है वो लगा हुआ था, उसमें आग लगी। हमारी मौके पर 5 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। सर, कोई वजह साफ आई है? कोई वजह साफ हो पाई है कि क्यों, किस वजह से आग लगी? संभवतः ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर बिजली का तो कोई होगा नहीं, ये खुले में है, तो संभवतः कोई यात्री या किसी कर्मचारी द्वारा संभवतः कोई बीड़ी या कुछ ऐसा फेंकने से संभवतः आग लगना प्रतीत होता है। वैसे और जानकारी करने पे बाद में आएगा, अभी हमारी टीमें बुझा रही हैं और हमारे फैसो साहब यहाँ पर मौजूद। कितना टाइम हो चुका है? अभी मैं समझता हूँ कि लगभग 1.25 घंटा हुआ है। कितने टाइम?